अरे भाई इधर आजा, अरे उड़ जाएगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। तो अभी टाइम 10 बज चुके हैं और आज से आर्या की छुट्टियां स्टार्ट होगी ना, तो इसलिए आज हम लेट उठे हैं क्योंकि मीनू ने उठाया नहीं और अलार्म मैंने लगाया नहीं होता, तो आज मैं उठाऊँ 9 बजे। और ये देखो, ये अभी तक सोए जा रहा है। इसको उठा रहा हूँ कि 10 बज गए, उठ जा, चाय पी ले, चाय बन गई। तो अभी फ़िलहाल चाय आई है, चाय पीते हैं। गाइस, चाय हमारी आ गई है, चाय के साथ हमारा डब्बा भी आ गया। अब पहले चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आर्या, आर्या खड़ा चला डे, आर्या खड़ा जा लड़े, खड़ा जा, चाय आ गई, चाय पी ले, खड़ा जा, खड़ा जा, खड़ा जा, टाइम देख कितना हो गया। अरे खड़ा जा, देख व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो गाइस, अरे खड़ा हो जाता है, फिर चाय पी के फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो गाइस, दोपहर के बज गए हैं 1:30 और ये देखो, ये उठा था 11 बजे और इसने चाय नहीं पी, बस थोड़ा सा थोड़े से चावल खा लिए रात वाले और बैठ गया। अभी इसको भूख लगी है तो मैंने इसको काट के दिया है वाटरमेलन। अब खा ले, आज इसने ना अपनी छुट्टियां शुरू होने का पूरा मजा लिया है। 11 बजे उठा है आराम से। आज हमने भी इसको उठाया नहीं क्योंकि बहुत दिन बाद बेचारा उठा था लेट ना, कई दिन बाद छुट्टियां आई हैं। अब कुछ दिन छुट्टियां हैं तो मजे ले लीजिए। क्या डेढ़ महीने की छुट्टियां नहीं है? डेढ़ महीने की है मेरे ख्याल। चल कोई बात नहीं, अब गाइस इसको ट्यूशन लगा देंगे कल से या परसों से। अरे शाम को बस ट्यूशन जाया करेगा और अब आके बैठा है बस वही, इसको एसी का कीड़ा, पंखा तो बंद रहेगा। अब आके इसने एसी चलाया है और एसी में बैठ के अपना वाटरमेलन खाएगा। तो आपको मिलते हैं अभी सीधा लंच पे नहीं। तो गाइस अभी आपको हम मिलेंगे शाम को। A few hours later. तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:30 और मौसम देखो, वाह आज गड़े भी आए थे। तो गाइस एक्चुअल में हम मेरी भी आज आंख लग गई और पता ही नहीं चला कि बारिश कब आ गई, और हल्की सी आई है बारिश, तो खैर ज्यादा नहीं आई। अब देखो और आ जाए तो, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बारिश आ जाए तो बढ़िया है, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल उठे हैं, अब चाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। एक तो इस लल्लू की चप्पल टूट गई, इसको चप्पल भी दिलवा के लानी है, और देखते हैं कुछ और रहता है। तो पहले तो फ़िलहाल चाय पीते हैं। क्या कह रहा था? छत पे तेरी चप्पल लेने नहीं जाना? 10 मिनट रुक के जाते हैं। 10 मिनट रुक के इतनी दूर, 10 मिनट तो हो ही जाएंगे, अपने छत पे चलेंगे फिर वापस आएंगे, क्या फ़ायदा, यहीं चला ले साइकिल। तो गाइस चाय पी लिया हमने, अभी बस बाजार जाने के लिए मीनू रेडी होगी, तो कोई थोड़ा सा काम है वो कर रही है और 10 मिनट का काम है, और ये कह रहा है कि छत पे चलो मेरे को लेके, मेरे को साइकिल चलानी है। अभी छत पे जाएंगे इतनी ऊपर, वापस आएंगे 10 मिनट तो वैसे ही निकल जाएंगे, उत्ते में मीनू ने आवाज़ मार लेनी है। बस मीनू की थोड़ा सा काम कर रही है वो कर ले, फिर चलते हैं मार्केट। तो गाइस आ रहे हैं, ये वाली पसंद करी है, ये पिंक कलर है लड़कियों वाला, ये भी पसंद नहीं आई, वो भी पसंद नहीं आई, ये वाली पसंद आई है आर्या को। क्या हुआ? ये भी पसंद नहीं है। ये भी पसंद नहीं है ना। फिर क्या करें? तो कुछ और कोई चप्पल लेनी है। और कोई चप्पल लेनी है? ब्राउन जैसा अच्छा दिखेगा। चल देखते हैं। ग्रीन का चप्पल। तो गाइस आ रहे हैं भाई, ब्राउन वाली चप्पल ले ली, मान गया ये हमारी बात। सही तो है। सही है ना? सुंदर लग रही है लड़े। तेरे को पापा ऐसे थोड़ी लेके देते हैं कुछ?
never make promises, cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, cause I don't keep them. तो गाइस आर्य की चप्पल तो ले आए, पर सूट रह गया जो माता का लाने वाला था ना 1100 वाला, वो रह गया, वो कर ले आएंगे। मीनू की चप्पल भी कर ले आएंगे। तो अभी घर पहुंचे हैं और ये देखो, इसको अपनी आइसक्रीम लेनी थी, वो रास्ते में मिल गई इसको, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी फिलहाल घर पहुंचे हैं। A few minutes later. तो गाइस रात के 9 बज गए हैं और बारिश फिर आनी स्टार्ट हो गई। और देखो हमारी रोटियां देखो कैसे बन रही हैं छाते के नीचे। मम्मी मीनू छाता पकड़ के खड़ी है और मम्मी रोटियां लगा रहे तंदूर पे। और ये देखो कार्टून। तो गाइज मैं गया था मार्केट और रास्ते में बिजली चमकने लग गई, बादल गरजने लग गए फुल। मेरे को लगा नहीं था कि मैं पहुंच जाऊंगा, पर शुक्र है पहुंच गया। घर पे आते ही ये बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखो इधर कपड़े पहन के भी कोई नहाता है बारिश में ना, आधी रात को नहाएगा बारिश में वो भी। मेरी बात सुन ले, जब तू छाता खोल लेता है ना बारिश आने पे, तब बारिश रुक जाती है। कितनी बार हुआ है तेरे साथ ऐसे? छाता बारिश आती है तू छाता खोलता और बारिश रुक जाती है। तो इससे अच्छा एक बार छाता बंद कर दे, अंदर रखिया, और फुल तेज बारिश आ जाएगी ना फिर खोलना। फिर बंद कर देगी। छाते चल, तेरा कोई काम नहीं है, चल भाग जा उधर। आ जाएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी। तो गाइस रात के 9:30 बज गए हैं और मीनू आ रहा और मम्मी, तीनों गए हैं वहाँ पे ऐसे ही गली में चक्कर काटने के लिए, क्योंकि गली की काफ़ी सारी लेडीज जाती हैं ऐसे घूम के, 2-4 चक्कर मार के आ जाती हैं खाना खाने के बआद। तो मीनू और मम्मी और आर्या वहाँ गए, आर्या उनके साथ गया साइकिल पे और मैं बैठा हूँ पीछे से घर पे अकेला। और मैंने बैठे बैठे मैंगो शेक के लिए आम छील दिए। तो अभी मीनू और आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर मैंगो शेक बनाएंगे और खाना खा के फिर मैंगो शेक पियेंगे। तो गाइस मौसम देखो, फुल बारिश चल रही है और आंधी चालू होगी पूरी। ये देखो हो। तो गाइस आ रहे हैं और अभी अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, इनके आते ही आंधी तूफान चालू हो गया। मेरी बात सुनो। तो गाइस बारिश फुल तेज शुरू होगी, अंदर तक आ रही है बारिश। ओए ओए मैं भाग देता हूं नहाने। हैं ना, रात को थोड़ी नहाएगा। ओ भाई साहब पूछते जा रही है, अरे छोटी टक्कर की आ रही है। गाइस छांट अंदर तक आ रही है यहां तक, बस शांत होगी। आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। चलो हमारी कार धुल जाएगी इसी बहाने। अब फोन अंदर रख। मैंने ना कुछ ना तेरे लिए ना बनाया है। क्या? ना ना ये क्या है? मैंने तेरे लिए मैंगो काटे हैं, अच्छी तरह छील के। वो तो ले गया कांटा, ऐसी खाएगा। तो गाइस बारिश फुल तेज आने लगी, देखो बिजली चमक रही है पूरी, और देखो यहाँ तक छांट आ रही है, ये यहाँ तक। गाइस फुल बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है। अपनी कार तो धुल गई है। तो गाइस बारिश आ गई, मौसम पूरा ठंडा हो गया। आ रहे हैं इधर आजा, अरे उठ जाएगा। तो गाइस आज इसका छाता लाना सफल हो गया, अब खड़ा आजा छाता लेके, बड़ा तेरे को छाते का शौक है, हो जा खड़ा हो जा। उतर, 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 उतर
तो गाइस इसका छाते का शौक पूरा हो रहा है आज। आज बारिश फुल तेज होगी। तो गाइस कार मैंने इधर कर दी, दीवार के साथ खड़ी थी ना तो परली साइड से धुलना नहीं था कार ने, तो अभी मैंने कार को इधर कर दिया, अब अच्छी तरह से धुल जाएगी चारों तरफ से। तो गाइस रात के 11 बज गए हैं और बारिश हो रही थी ना तो बारिश के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। मैं कार मैंने इधर कर दी और कार के ऊपर कपड़ा मार दिया, अच्छी तरह छाता ले रखा था मैंने और कपड़ा मार दिया, कार होगी अच्छी तरह से साफ, क्योंकि वो पाइप लगा के धोनी नहीं पड़ी ना, अच्छी तरह से साफ होगी कार। तो इसी चक्कर में टाइम का पता नहीं चला, तो अभी बस डिनर करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि अब बारिश है ना, लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, सारी लाइटें बंद करके और अभी सोएंगे ताकि पंखा चलता रहे सारी रात। तो गाइज आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। I never make promises, 'cause I don't keep them.